रॉबर्ट? अरे मैडम, ये रॉबर्ट आपको कहाँ मिल गया? हाँ जी जी मम्मी जी, ये तो शहर में बहुत बड़ा जुए का अड्डा चलाता है जी। चलाता है ना, चलाता था, जिसे मैं जला के आई हूँ। डालो इसे अंदर। चलो चल चले चल। जरा सा फुदा किसमें घनी सारी। दो दो आवाजों में बात करता है। He has ghost inside him. Two in one. आइए आइए। Excuse me, चप्पल टूट गई चौराहे पे। तो तेरे शॉपिंग पे लेके जाऊं मैं चप्पलों की हैं, या चप्पल बजाऊं थारे सर पे? नहीं नहीं मैडम, बात ये नहीं है, मुझे FIR लिखवानी है चप्पल टूट गई चौराहे पे। कौन से चौराहे पे यार, तुड़ियागंज या ठाकुरगंज? Well, तुड़ियागंज चौराहे पे रहती है मीना इज़दा, ठाकुर चौराहे पे रहती है हसीना इज़दा। भाई ऐसा है, किस पूरे शहर में, जिस मोहल्ले में, किस एरिया में, किस कोने कोपचे गली में कौन सी आइटम रह गए, ये इस बुढ़ऊ को एकदम पता है। विद एड्रेस एंड फोन नंबर। बाकी इससे पूछ लो कि बेटा अगर 426 नंबर की फाइल जो है वो ढूंढ दे तो ब्लैंक। कुछ बेराई कोई ना है, पता ही ना है कुछ। कैरी ऑन। चुप कर। देखो यार, जो भी बात है, दिन है या रात है, सर्दी है या बरसात है, मैडम के सामने बोल डालो, अपने जुबान का ढक्कन खोल डालो। वरना क्या है कि एक बार हमारी मैडम के दिमाग के प्रेशर कुकर की सीटी बज गई ना, तो हमारी मैडम एक नंबर की मैड माधुरी, मेरा मतलब है भड़कती जीनत, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? अरे गुस्सा, गुस्सा तो मुझे भी आया। अरे गुस्सा तो मुझे इतना आया, इतना आया कि हम बता नहीं सकते कितना आया। गुस्से में मैं ऐसा कांपा कि हम बता नहीं सकते कैसा। अरे गुस्से में मैं ऐसा सुलगा कि बता नहीं सकता कैसा सुलगा। मैडम मेरा नाम है खरदूषण। प्रदूषण? प्रदूषण नहीं मैडम, मेरा नाम है खरदूषण खानदानी। देखिए मैडम, हम खानदानी लोग हैं, पर अपनी परंपरा और विरासत को ना संभाल कर रखते हैं चप्पल टूट गई चौराहे पे। दरअसल बात यह है कि हमारे खानदान में ना एक 1935 की खानदानी कार हुआ करती थी, जिसे हमारे परदादा ने खरीदा और बाद में बहुत संभाल के चलाया। अरे कितना संभाल के चलाया यार? अरे इतना संभाल के चलाया कि उस कार पर आज तक हमने कोई खरोच नहीं आने दी महाराज, मगर आज चप्पल टूट गई चौराहे पे। Well, what is the problem is the दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द दादाजी, प्रॉब्लम ये है कि मेरी उस खानदानी 1935 की कार को ना एक आदमी ने अपनी वैन से पीछे से इस बेरहमी से टक्कर मारी। इस बेरहमी से टक्कर मारी कि हम बता नहीं सकते किस बेरहमी से टक्कर मारी। मैडम, अरे मैडम हमारी खानदानी कार के ना टुकड़े टुकड़े हो गए, अंजर पंजर उसके फैल गए कि झाड़ू से समेटनी पड़ी हमें कार, चप्पल टूट गई चौराहे पे। कौन हो रहा है वो माइकल सुमाकर, जो इतने जो है पोल्यूशन और ट्रैफिक वाले मुल्क में इतनी भगाई ले रहा है, गाड़ी की ठोक दे रहा है सबकी गाड़ियां? मैडम वो सब हमें कुछ नहीं पता, हमने उस वैन का ना नंबर नोट कर लिया, वो आपको दिखाते हैं हम। ये उस कार का नंबर। गुलगुले डू द नीडफुल। जी मैडम, अभी पता चल जाएगा कि इस गाड़ी का मालिक कौन है और उसे खींच के चौकी में लेके आऊंगा। आओ आओ यार, इधर इस तरफ आओ। अरे इधर खड़े रहो। मैडम ये वो आदमी जिसने अपनी वैन से इसकी गाड़ी को ठोक दिया। हाँ भाई, गोल्डन डिलाइट, यो ये वो लौंडा। मैडम यही है वो जिसने मेरी खानदानी कार को ठोक दिया, चप्पल टूट गई चौराहे पे। Well bro, what is the name is the कानपुर में होता है ट्रैफिक जेम is the जी जी मैडम, मैं हूँ प्रदीप परेशान, मैं दिग्गी चौराहे पे रहता हूँ। देखो ऐसा है कि इस आदमी ने, इस नवयुवक ने विद ग्रेट फैशन सेंस, इसने थारे खिलाफ FIR लिखाई है कि तैने एकदम धुआंधार गति से आते हुए अपनी मोटर यानी अपनी बैंड से इसकी 1935 की एंटीक येट ब्यूटीफुल गाड़ी ठोक दी, और ऐसी ठोकी है कि कोई प्लास्टिक सर्जन उसे जो है जोड़ ना पाएगा। जी मैडम,
मैं प्रदीप परेशान ये एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने अपनी वैन से इस आदमी की गाड़ी ठोकी है। मैं दिग्गी चौराहे पे रहता हूँ। Well, bro, why the, not the, you the, using the brake is the, वैसे मैं हूँ बड़ा दिल फेंक इस दा। यार इसको गुलगुले, इसको जरा अपने दिल के समेत बाहर फेंक चौकी से। Carry on. हाँ भाई, तो तू कबूल कर रहा है कि तैने इसकी गाड़ी ठोकी है? क्यों ठोक दी भाई? हाँ, गुलाब जामुन चिपक रहे हैं आंखों की जगह हरे रंग के। जामुन नहीं मैडम, जमुना, जमुना, मेरी बीवी जमुना, वो इस सब के लिए जिम्मेदार है। मैं दिग्गी चौराहे पे रहता हूँ। ये क्या बात हुई यार, गाड़ी तुम चला रहे थे, गाड़ी तुमने ठोकी और जिम्मेदार ठहरा रहे हो अपनी बीवी को? हाँ, क्योंकि मेरी बीवी मेरे बगल में बैठी हुई थी। मैं दिग्गी चौराहे पे रहता हूँ। मैडम मैं समझ गया, जरूर इसकी बीवी ऐश्वर्या राय और कैटरीना कैफ से भी ज्यादा खूबसूरत होगी, तभी रोड को देखने की जगह ये अपनी पटाखा और आइटम बीवी को देख रहा था। सॉरी मतलब मैडम, असल बात ये है कि मेरी बीवी जो है हर बात में उसको कमेंट्री करने की आदत है। जहाँ बैठती है वहाँ कमेंट्री चालू, जहाँ बैठती है वहाँ कमेंट्री चालू। मैडम मैं गाड़ी चला रहा हूँ और उसकी कमेंट्री चालू, अब उसकी कमेंट्री से वो मुझे इतना डिस्टर्ब कर देती है कि मैंने इनकी गाड़ी ठोक दी। मैं दिग्गी चौराहे पर रहता हूँ। क्यों भाई? ना वो बचपन में ट्रांजिस्टर चबा गई थी, रेडियो निकल गई थी, एंटीना चाट गई थी वो? मैडम असल बात ये है कि मेरी बीवी के फादर और मेरे ससुर रेडियो पे मैच के कमेंटेटर थे। ओ, दोनों कमेंट्री करते थे? मतलब तुम्हारी बीवी के फादर भी और तुम्हारे ससुर भी? यार दोनों एक आदमी है। तुम इसमें इतना समझने का क्या? मैडम ये सब है उसी का कसूर जो है मेरा ससुर। उसने अपने जैसे ही अपनी बेटी को भी हर बात पे कमेंट्री करने की आदत डाल दी। अब वो जहाँ देखो वहाँ जैसे वैसे ऐसे ऐसे सब जगह कमेंट्री करती रहती है। मैडम मैं दिग्गी चौराहे पे रहता हूँ। अरे यार तुम दिग्गी चौराहे पे रहो या दिग्गी के अंदर, मेरी गाड़ी तो ठोक दी ना तुमने। मैडम उस कार को बनवाने में ना 1,00,000 रुपए का खर्चा है बस। या भंगार के 1,00,000? तू दे रहा है खुशी खुशी 1,00,000 का कंपनसेशन इसे? दूंगा मैडम, दूंगा मैं भंगार के 1,00,000 दूंगा। लेकिन आप प्लीज मैडम, मेरी परेशानी आप हल कीजिए मैडम। मेरी बीवी की ये जो बात बात पे कमेंट्री करने की आदत है, ये छोड़वाइए मैडम। देखिए आज तो इस आदमी की गाड़ी ठुकी है, कल ये भी ठुक सकता है, इसकी मौत हो सकती है मैडम। मैं दिग्गी चौराहे पे रहता हूँ, कभी भी पकड़ा जाऊंगा। बुलवाओ जरा इसकी बीवी और उसके ससुर ने भी बुलवाओ, जरा मिलें, बात करें, जरा कौन हो रहे हैं सिद्धू को भी कॉम्प्लेक्स देने वाले। ओके, जाओ दोनों भाईचारे से गले वाले मिलो और इसके कंपनसेशन दे। जरा चाय नाश्ता करते हुए निकलो, चलो इतनी दुश्मनी अच्छी ना है। हाँ निकलो जब। अरे नहीं 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 निकलेगा, नहीं। अबे नहीं निकलेगा तो गाड़ी कैसे चला बे तू? मुंह से कैसे चल रही गाड़ी, चला के दिखाइयो। ओ पांडे जी, कुछ नहीं हुआ है गोपी। नहीं Naughty boy. Follow him. Hi everybody. Well mom, she is the daddy is the and he is the wife is the। भाई और बहनों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि चौकी एकदम हरी भरी है इशारों इशारों में।
चारों तरफ लोगों का तांता लगा हुआ है इशारों इशारों में, और तीन पुलिस वाले जिनमें से एक गलत अंग्रेजी बोलता है ठीक मेरे सामने बैठे हैं इशारों इशारों में। क्यों बेटी? जी हाँ, जैसा कि अभी डैडी जी ने बताया वैसा मैं भी देख सकती हूँ अपनी इन दो आंखों से कि सामने दो पुलिस वाले हैं, एक मैडम है जो बैठी है मेज पर। माहौल काफी शांत है और चौकी का माहौल काफी खुशगवार नजर आ रहा है। मैं तो ऐसी ही हूँ। अबे दोनों आंखों से ना दोनों हाथों से लपड़ बजेंगे दोनों को अगर कॉमेंट्री यहाँ बंद ना करिए तो। आए बड़े, जमुना नाम है ना थारा, उसकी प्रदीप परसान की वाइफ हो रही है तू? यस मैडम, मैं ऐसी ही हूँ। और तुम अंकल जी ससुर हो रहे हो प्रदीप परसान के? जी हाँ मैडम, इशारों इशारों में। वैसे मैं बाबूलाल बटालवी आपका वांकड़ स्टेडियम में स्वागत करता हूँ इशारों इशारों में। भाई और बहनों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि सवालों का दौर शुरू हो चुका है और मैडम ने बड़ी खूबसूरती से दो सवाल डाले हैं, एक बिल्कुल इन स्विंगर की तरह कि जमुना मेरी बेटी है कि नहीं, और दूसरा बिल्कुल हरभजन की तरह बॉल को स्पिन कराते हुए कि मैं प्रदीप का ससुर हूं कि नहीं इशारों इशारों में। ये देखिए, मेरे डैडी जी ने बड़ी खूबसूरती के साथ पुलिस वालों के सवालों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। मैं तो ऐसी ही हूँ। एक्सक्यूज मी। जी जी जी। आइए आइए। हाँ, चाय। देखिए, अब जितना पूछा जाए उतना ही बोलो, सोच समझ के अपनी जुबान का ढक्कन खोलो, वरना क्या है कि एक बार हमारी मैडम को गुस्सा आ गया ना तो हमारी मैडम एक नंबर की एनकाउंटर हसीना, मेरा मतलब है कातिल कैटरीना, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझिए आप। या ही इज वेरी एग्रीकल्चर जी, एग्रेसिव। या दिस वन। भैया ऐसा है, मिसेज प्रदीप परसान, तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हारे खिलाफ यहाँ लिखवा दिया है FIR, वो तुमसे हो गया है घना परसान। कि भाई थारी एक आदत है ना जो यो कमेंट्री करने की सोते जागते उठते बैठते, जो कि हमने भी देख ली, भुगत रहे हम भी। भाई उससे वो घना परसान है, घना दुखी है। तू जो है उसकी गाड़ी में उसकी बाजू की सीट पे बैठती है, मसलन थोड़े दिन पहले जब तू बैठी थी और वो गाड़ी चला रहा था तो तैने नॉन स्टॉप कमेंट्री करी है और नॉन स्टॉप उसका दिमाग तैने खा लिया। इब गाड़ी चलाते चलाते थारी नॉन स्टॉप कमेंट्री सुनते सुनते वो जो है पगड़ा गया, उसका फोकस आउट हो गया और उसने अपनी गाड़ी ठोक दी। मैं क्या करूं मैडम? मैडम मैं जैसे ही कुछ देखती हूँ ना अपनी इन दो आंखों से, बस फिर क्या है, आंखों देखा हाल बयां करने लगती हूँ। मैं ऐसी ही हूँ। जी हाँ मैडम, इशारों इशारों में। वैसे देखा जाए तो मैडम इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं इशारों इशारों में। अब मेरी बेटी ने बचपन से यही देखा, यही सुना और यही समझा इशारों इशारों में, अब उसके बाद ये लाइव कमेंट्री नहीं तो क्या गाना गाएगी इशारों इशारों में? एक मिनट, ये क्या बात हुई? मतलब अगर कोई डॉक्टर की बेटी है और उसने जिंदगी भर देखा है कि उसके पिताजी लोगों को इंजेक्शन लगाते हैं तो बेटी भी लोगों को क्या इंजेक्शन लगाती फिरेगी? देखो भाई अंकल जी, तुमने अपनी जो है टाइम में कमेंट्री करी है, बढ़िया करी है, वेरी नाइस। इसका यो मतलब ना है तुम अपनी बेटी से भी करवा लोगे हैं? कोई उसका प्रोफेशन तो है ना कमेंट्री करना, तो फालतू में क्यों करी जा रही है कमेंट्री? भाई सिखा तुमने दिए ऐसे कमेंट्री, भुगत तुम्हारा दमाद रहा है। अरे क्या भुगत रहे हैं वो, मैंने जरा सा कुछ बोल दिया तो इसमें उन्हें बड़ी तकलीफ होने लग गई। हाँ मैं तो ऐसी ही हूँ। जरा सा बोल ली, ये जरा सा बोलना कहते हैं आप इसे? देखो यार ऐसा है, तुम्हें यहाँ जो हमने ऐसे एडवाइस देने के लिए बुलाया है, ये कोई ऐसा कोई केस तो है ना, तो बेसिकली जरा अपने से कुछ ज्यादा समझदार लोगों की राय लो और ये कॉमेंट्री वगैरह जरा इसे रहने दो, इसको जरा लिमिट में करो, क्योंकि किसी भी चीज की अति बढ़िया ना हो गए, कहीं ऐसा ना हो कि कमेंट्री के चक्कर में एक दिन जो है भारी फंसो, हैं मुसीबत में पड़ जाओ, इसलिए जस्ट टेक इट इजी। मैडम एडवाइस के लिए बहुत बहुत थैंक यू, लेकिन मैडम ये बताओ लाइव कमेंट्री की वजह से क्या कभी किसी का नुकसान हो सकता है क्या? मैं तो ऐसी ही हूँ और ऐसी ही रहूंगी। अच्छा तो मैं जा रही हूँ, जाते जाते आप सबको मेरा नमस्कार। ये, ये, ये। चले डैडी। हाँ चलते हैं। ये।
भाई और बहनों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि एक सीनियर कमेंटेटर और उसकी बेटी किस तरह से चौकी से जलील होके जा रहे हैं बाय बाय इशारों इशारों में। भाई ये जाने इनका राम जाने हमें क्या है। यही बात है, दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं। एक इसे देख लो सैंपल पीस। ओ ओ ओ। हाँ जी शेक्सपियर। नाम सुना जी शेक्सपियर का, सुना बहुत बड़े राइटर थे, अच्छे चुटकुले लिखते थे। गुड। मैडम मिली आप आंटी मेरी बीवी से। अरे बीवी से ही ना, थारे जो है ना ससुर से भी मिल लिए हम। भैया तू महान है, थारा तो जो है मैं मंदिर बनवा दूंगी। तू किस तरह झेल रहा है अपनी बीवी को भैया राम जाने। देखा मैडम आपने, अब आप सोचिए कि मैं कैसे जीता हूं। उसकी रोज रोज ये लाइव कमेंट्री सुन सुन के मैं कैसे जीता हूं। मैं दिग्गी चौराहे पे रहता हूं मैडम, अब बस आप ही मेरी मदद कर सकती हैं बस। भैया ऐसा थारी बीवी की वो कमेंट्री की आदत छुड़वाना कोई आसान काम ना है, है? एकदम मोटी चमड़ी की हो रही है वो। कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे जो है वो कमेंट्री की वजह से किसी मुसीबत में पड़ जाए। फिलहाल मैं सोच रही हूँ कि कोई और है इस चौकी में जो मुसीबत में पड़ेगा। आ रहा है मैडम, आ रहा है, आ रहा है। मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही टिचकोली पिचकोली रंगों की होली आइडिया आ रहा है। तो तैने मैं पिचकारी में ठूंस के मोहल्ले के बच्चों पे छिड़काव करूं फिर देगा तू आइडिया? ना तो कोने में तो आइए, मतलब सुनिए। वेल गुलगुले, यू आर ऑमलेट अल्टीमेट। Yeah, this one. This idea is good. इसके लिए जो है हमें सरजी की मदद चाहिए होगी। और तू कंजी आंखों वाले, तू सुन तैने क्या करना है। और सबसे पहले तो तू अपने हाथ निकाल, मुंह से फाइलें उठ रही हैं। और चल निकालो यार। I think he needs my personal touch. जमुना सच सच बताओ, अपनी 20 साल पुरानी फोटो भेज के मुझसे शादी करके तुमको क्या मिला? तुम मिले ना। मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। आप लोग कौन हो भैया? हम लोग कॉन्ट्रैक्ट किलर है, कॉन्ट्रैक्ट किलर। और हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट मिला है तेरे को किल करने का। तू जेके शेर के खिलाफ गवाही देने वाला है ना, चल मरने के लिए तैयार हो जा। नहीं नहीं ऐसे मत करिए भैया, ये पहली बात तो बारिश बहुत हो रही, छाते में आ जाइए। और दूसरी बात, हम किसके खिलाफ गवाही नहीं देंगे, सच कह रहे हैं। जेके सेठ के खिलाफ तो क्या, हम जेके भिखारी के खिलाफ भी गवाही नहीं देंगे, सच कह रहे हैं। हमें नाम आ रही है। भोला बनता है, टू लेट। अरे यार हमें किसी ने देखा तो नहीं? अरे इतनी सुनसान जगह पे अपने को कौन देखेगा? जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी यहाँ इस वक्त एक ताजा मर्डर हुआ है और दोनों खूनी भागने की फिराक में हैं। जिसका मर्डर हुआ है वो नीचे पड़ा है पानी में, कीचड़ में, कट मत। यहाँ सुन लेंगे वो। ए कौन है? ए अंजाम मटवा दिया ना बुढ़िया तुझे जमना। अच्छा हुआ कि तू बोली,
तेरे बोलने से हमें पता तो चल गया कि हमें किसी ने देख लिया है। तू बोली अब खा गोली। ये बोली। अबे ओ, क्या हो रहा है वहाँ? ये 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 पुलिस पुलिस भाग भाग भाग। ए, क्या हो रहा है? चल 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 आगे। मैडम थैंक गॉड आप राइट टाइम पे आ गई मैडम, वरना तो आज हम दोनों का राम नाम सत्य हो जाता। हाँ मैडम हाँ, आगे ना वहाँ पे एक खून हुआ है, खून। हम लोग वहीं से जा रहे थे तो हम गाड़ियों के पीछे छिप गए वहाँ पे मैडम, लेकिन इसने वहाँ पे भी अपनी लाइव कमेंट्री शुरू कर दी और इसकी आवाज़ सुन के गुंडे आ गए हमारे पास में, हमें पकड़ लिया और बस हमें मारने ही वाले थे कि इतने में आप आ गई। मुझे पहचाना? मैं दिग्गी चौराहे पे रहता हूँ। भाई आंटी, मैंने तो पहले ही कही थी थारे से कि भाई बेवजह बेबकत थारी और लाइव कमेंट्री की आदत तेरे किसी ना किसी दिन एक बड़ी मुसीबत में फंसा देगी। वो तो शुक्र मना ले जो आज मैं पहुंच गई, वरना वो दोनों खूनी तुम दोनों ने निपटा देते मियां बीवी ने। आप ठीक कह रही थी मैडम। मैडम अब मुझे एहसास हो गया कि मैं कितनी गलत थी, लेकिन मैडम अब मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अब कभी भी जीवन में लाइव कमेंट्री नहीं करूँगी। मैडम मैं ऐसी ही हूँ, लेकिन मैं ऐसी रहूंगी नहीं मैडम, आई प्रॉमिस। थैंक यू मैडम, थैंक यू। चलो आंटी भैया डार्लिंग घर चलते हैं। ओहो, देखा मैडम, देखा, देखी हमारी एक्टिंग आपने? हाँ भाई, क्या एक्टिंग की है तुम दोनों ने। और सर आप भाई, आपके सामने तो सर कहाँ सारो, कहाँ आमिर, कहाँ धर्म। बस बस मिस चौटाला, इतनी तारीफ मत करिए, हमें आ रही है शर्म। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।